हमारे साथ मनोज जी भी हैं। मनोज जी, आज चूंकि अलग अलग गेम्स में खिलाड़ी मैदान पर उतरते हुए नजर आएंगे, आपको क्या लगता है कितने गोल्ड मेडल आज जीते जा सकते हैं? भारत के नाम कितने आएंगे और बाकी देशों की अपनी तैयारी क्या है, क्योंकि 72 देश हैं, 5000 खिलाड़ी हैं, मुकाबला टफ तो रहने वाला है। देखिए, जहाँ तक पदकों की बात करें, हम भारतीय दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो पदक इस बार पहले दिन तो आप उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि लॉन बॉल है जिसमें हमारा आज तक कभी कोई पदक नहीं आया। हम एक सीखने के लिए जा रहे हैं, इस खेल में परिपक्वता लाने के लिए जा रहे हैं। आप साइकिलिंग को देखिए, साइकिलिंग में आपकी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि साइकिलिंग में वैसे ही भारत का हाथ बहुत तंग रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें, स्विमिंग है, स्विमिंग में नेशनल रिकॉर्ड तोड़ना इन बड़े आयोजनों में यही बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। अभी तक जब से कॉमनवेल्थ गेम शुरू हुए हैं, स्विमिंग में भारत को महज एक पदक हासिल हुआ है, और वो भी प्रशांत कर्माकर का पैरा स्विमर हैं जिन्होंने ये पदक दिलाया है। बॉक्सिंग में, क्योंकि आज अमूमन होता यह है कि बॉक्सिंग में जो भी बॉक्सर उतरता है वो एक राउंड खेलता है और उसके बाद उसका मुकाबला अगले दिन पड़ता है, जैसे कुश्ती में होता है या जूडो में होता है कि जो जिस दिन उतरेगा उसी दिन स्वर्ण और रजत और कांस्य पदक का फैसला हो जाएगा, लेकिन बॉक्सिंग में ऐसा नहीं होता। तो इसलिए आज पदक की आप उम्मीद बॉक्सिंग में भी नहीं कर सकते। बैडमिंटन में भारत का मुकाबला है, उसमें भी कई दिन तक मुकाबला चलने वाला है। बॉक्सिंग, बैडमिंटन, तो टेबल टेनिस में भारत का मुकाबला है सिंगापुर के साथ। तो मुझे लगता है कि आज आप पदकों की उम्मीद मत कीजिए, लेकिन पदकों की राह पर आप भारतीय एथलीटों को चलते हुए जरूर देखेंगे। लेकिन भारत पाकिस्तान जो बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला है बैडमिंटन में, सबा करीम जी, अगर आप भारत पाकिस्तान के इस मुकाबले को लेकर अपनी कोई टिप्पणी करना चाहते हैं तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि भारत पाकिस्तान का मुकाबला तो जब जब हो, सिर्फ क्रिकेट नहीं बाकी खेलों में भी, तो बड़ा दिलचस्प ये मुकाबला हो जाता है। साथ ही अगर महिला क्रिकेट टीम अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ भिड़ने वाली, हम अपने मजबूत और कमजोर पॉइंट्स तो जानते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम में ऐसी कौन सी वो मजबूती है जिससे थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत होगी? देखिए, उनके पास कई सारे ऑलराउंडर्स हैं, पर देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसी टीम है जिनको अगर कोई टीम से डर लगता है तो वो है भारत। वो पसंद नहीं करते हैं भारत के विरुद्ध खेलना, क्योंकि भारत के पास कई सारे शानदार खिलाड़ी हैं, प्रतिभाओं से भरी हुई है ये टीम। दो तीन नए खिलाड़ी जो हैं, यस्तिका भाटिया हो गई, पूजा वस्त्राकर हो गई, स्नेह राणा है, मेघना सिंह, इस प्रकार के कई सारे ऑलराउंडर्स इस टीम में अब शामिल हो गए हैं। उसके ऊपर से हरमन का फॉर्म काफ़ी अच्छा है, जमाइमा रॉड्रिगस है, शिफाली वर्मा है, स्मृति मंदाना है, तो हमारी बल्लेबाजी भी काफ़ी मजबूत है। तो ये जो मिश्रण है हमारी टीम का, उसी वजह से ऑस्ट्रेलिया को लगता है कि यही एक ऐसी टीम है जो उनको हरा सकती है। तो दिलचस्प मुकाबला होने वाला है और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहेगा। बैडमिंटन के बारे में आपने बात की, हमारी टीम जो बैडमिंटन की जो महिलाओं की टीम है बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो ये इनिशियल राउंड है, इसमें ज़्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए भारतीय महिला बैडमिंटन टीम को ये पहला मुकाबला जीतने में। क्योंकि महिलाओं की इतनी बात हो रही है तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी देश को नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मिली हैं जो कि एक महिला हैं, और अभी हम उन्हीं की चर्चा कर रहे थे, और आज गेम्स में भी देखिए महिलाओं को लेकर कितनी ज़्यादा चर्चा चल रही है। अब राजकुमार सर, आज के दिन तो किसी मेडल की उम्मीद ना करें, लेकिन ओवरऑल जितने दिन ये गेम चलने वाला है उतने दिन में क्या हम पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर आगे बढ़ पाएंगे मेडल्स के मामले में? बिल्कुल रचना, मुझे तो पूरी आशा है कि भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत शानदार रहेगा, क्योंकि प्रिपरेशन इस बार अच्छी है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट भी काफ़ी मिला है, तो पूरी आशा है कि जो पहले जो मेडल मिले थे उससे हमारी मेडल टैली बढ़ेगी, और जो दिल्ली में हमने मेडल टैली जो रिकॉर्ड मेडल टैली भारत को मिली थी, अगर भारत उसके आसपास पहुंचता है या उसे पार करता है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, और पूरे देशवासी इसके लिए दुआएं करेंगे, अपनी शुभकामनाएं देते हैं अपनी भारतीय एथलीट्स को कि वो बेहतर प्रदर्शन करें और देश का नाम ऊंचा करें। ठीक है राजकुमार जी, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। तो आप बात कर लेते हैं चक दे इंडिया यानी हॉकी की। आज भारत को महिला हॉकी में अपने पहले मुकाबले में घाना से खेलना है, और हॉकी के बारे में जानने के लिए हम आपको सीधे हमारे एक्सपर्ट मनोज जी के पास लेकर चलते हैं। मनोज जी, कैसे देखते हैं महिला हॉकी टीम को आज जो घाना के साथ मुकाबला होने वाला है? देखिए, जहाँ तक हॉकी का सवाल है, भारतीय हॉकी टीम पिछली बार खाली हाथ लौटी थी, ना पुरुष टीम कोई पदक जीत पाई ना महिला टीम कोई पदक जीत पाई, लेकिन ओलंपिक में जो है भारत ने जिस तरह 41 साल के बाद जो परचम लहराया और एक पदक जीता और लंबे सूनेपन को खत्म किया,
और महिला टीम भी पदक के बहुत ही करीब तक पहुंच गई थी चौथे स्थान पर, तो उससे बहुत उम्मीदें जगती हैं। और अभी जो प्रो लीग हुई है पिछले दिनों, उसमें भारत तीसरे स्थान पर रहा था, महिला हॉकी टीम ने तीसरा स्थान अर्जित किया था, तो जाहिर सी बात है काफ़ी उम्मीदें टिकी हुई हैं। और यहाँ पर कुछ एक चुनौतियाँ भी हैं, क्योंकि पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करना बहुत मायने रखता है यहाँ पर, और हमारी गुरजीत कौर जो हैं उन पर बहुत कुछ उम्मीदें टिकी हुई हैं। कोच ने उनको अलग से उनके लिए ट्रेनिंग सेशन भी लगाए और वो कैसा परफॉर्म करेंगे उस पर नज़र रहेगी। घाना है, अभी घाना से मुकाबला है आज शाम भारत का, तो घाना को हम 13-0 से हरा चुके हैं एक मुकाबले में, अभी तक ये दूसरा मुकाबला होना है अब ये घाना से उसके बाद। तो अब ये अच्छी बात ये है कि ओलंपिक में हमारा मुकाबला बहुत कड़ी टीमों से हुआ था और पहले 3 मुकाबले हम नहीं जीत पाए थे, और उसके बाद टीम ने जो यू टर्न लिया था उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखिए खेल की बारीकियों को समझने और समझाने के लिए तो आप सभी एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो दर्शकों तक बारीकियां बता रहे हैं, लेकिन जब जब महिला हॉकी टीम की बात आती है तो दिमाग में एक पिक्चर आती है चक दे इंडिया। तो मैं ये पूछ रही हूँ, दर्शक ये जानना चाहते हैं कि चक दे इंडिया वाला मूवमेंट देखेगा देश? देखिए जी, 2002 में कॉमनवेल्थ गेम्स का ही आयोजन था, मैनचेस्टर में वो आयोजन हुआ था और भारतीय महिला हॉकी टीम ने पताका फहराई थी अपनी और स्वर्णिम सफलता हासिल हुई थी। और उसके बाद जबकि बहुत अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था, जैसे 1983 में भारतीय टीम को बहुत अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था और भारत चैंपियन बनकर उभरा था, वही कुछ 2002 में स्थितियां थी। और उसके बाद जो है एक ऐसी बूम सा आ गया देश भर में कि 2006 में भी भारत फाइनल में पहुंचा अगले ही कॉमनवेल्थ गेम्स में, लेकिन निराशाजनक ये रहा कि उसके बाद से लेकर भारत का कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला हॉकी में कोई मेडल नहीं आया। लेकिन अच्छी बात यह है कि रियो ओलंपिक से पहले भारत ने जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था 36 साल के बाद, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। और उसके बाद अब जो भारत ने टोक्यो में प्रदर्शन किया है वो वाकई बहुत मनोबल बढ़ाने वाली वो जीत थी जिसमें भारत ने बिल्कुल, और उम्मीद कर रहे हैं मनोज जी कि इस बार भी कुछ ऐसा ही प्रदर्शन होगा जिससे पूरे भारत का उत्साह भी बढ़ेगा।